क्या हुआ बताओ, हैं क्या हुआ बताओ, भूख लगी है तुम्हें? भूख लगी है? पहले ऐसे करो, कैसे करो? मैं अपने मुंह पे ऐसे उंगली रख रखा हूँ इसलिए कि ये इसको लगी है भूख। अब मेरे मुंह को मुंह में आके अपना मुंह डाल के परेशान कर रहा है। अभी मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा है इसलिए मैं इसको नहीं खिला रहा हूँ। और देखो मेरा इनने दांत काट लिया पूरा जोर से। बस बस देखो इसकी शरारते देखो। और ये क्या कर रहा है? मतलब इस पे बैठोगे तुम तो तुम्हें खाना जल्दी मिल जाएगा है? तुम अपना क्यों नहीं खाना खाते हो ये पहले बताओ, अपना क्यों नहीं खाना खाते हो है? अपना क्यों नहीं खाना खाते हो ये पहले बताओ, अपना खाना क्यों नहीं खाते हो तुम? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी अभी मैं खिलाऊंगा, मैं अभी इसको खिलाऊंगा खाना है। खाना खाओगे अभी? ठीक है बस बस बस, तुमसे अच्छा तो स्वीटी है। हाँ तुमसे अच्छा स्वीटी है, वो तो तुम्हारे जैसे परेशानी नहीं करती है। तुम तो बिल्कुल परेशान करते हो, बताओ ऐसे करोगे कभी नाखून उखाड़ोगे कभी? हाँ अभी मैं जीभ काट लूँ तो, अभी मैं जीभ काट लूँ तो, चलो लेके आते हैं खाना फिर खाएंगे। ठीक खाना लेके आएंगे फिर उसके बाद खाएंगे, चलो चलो लेके आते हैं खाना। तो मैं लेकर आ गया हूँ खाना, और ये है गर्मा गर्म पराठे जो मैं अभी बनाया हूँ और हम खाएंगे। दोनों इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मैं आके खाऊँ और मुझे भी मिलेगा। देखो ये हमारी वो है महारानी जी जो बहुत ही शांत रहती हैं, और देखो ये है शेर साहब, इनका खौफ बहुत ज़्यादा रहता है इनके ऊपर। ठीक है, और देखो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं इस हाथ से कब अपने मुंह में डालूं और ये मेरे मुंह में घुसे। तो अभी आप लोगों को नमूना एक दिखा रहा हूँ, देखो मैंने ये उठाया इसके पीछे है, ऐसे खाने पे खाएंगे नहीं। देखो बस बस इनका ये हो गया, अब खाएंगे। ऐसे खा के ये पेट भरते हैं भाई साहब। फिर उसके बाद जब इनका पेट भर जाएगा इनसे हमारे मतलब खत्म हो जाएगा, ये चले जाएंगे ऊपर, है ना पगला। जी अगर जिस दिन पकड़ा गई ना उस दिन काट लूंगा तुझे। तो चलो